अगर आप ओएलएक्स यूज़र हैं और आपका अकाउंट हो जाता है सस्पेंड, सस्पेंड होता वो किस लिए है, उसे दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, चलिए हम जानते हैं। मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट देखा और उस प्रोडक्ट की कीमत 2000 रुपये है और हमने उस प्रोडक्ट में जाकर उसकी कीमत दे दी 1800 रुपये। 1800 रुपये देने के बाद, 1800 रुपये देने के बाद हमने उस प्रोडक्ट को छोड़ दिया, फिर दूसरा प्रोडक्ट देखा उस पर कीमत है 700 रुपये, 700 रुपये कीमत की जगह हमने दे दी उसमें 500 रुपये, हमने 500 रुपये दे दी, तो इससे हमारे अकाउंट के चांसेस बढ़ जाते हैं सस्पेंड होने के। जो ओएलएक्स की पॉलिसी है उसमें ये कहा जाता है पहले यूज़र से बात करो, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानो, उससे फ़ोन नंबर लेके बात करो, फिर अपनी कीमत दो। उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर से फ़ोन नंबर लेकर उससे बात करो, हो सकता है तुम उसे 1800 रुपये दे रहे हो, उस प्रोडक्ट की जो वर्थ है वो हो 1500 रुपये ही सिर्फ, तो इससे ओएलएक्स की जो पॉलिसी है वो ख़राब नहीं होगी। ओएलएक्स ये कहता है किसी भी कस्टमर से पहले उसके प्रोडक्ट के बारे में जानो, उससे जाके मिलो, ना तो उसे किसी तरीके से एडवांस पेमेंट करो। बहुत से कहते हैं ना कि जी पेमेंट और हमें पेटीएम पे थोड़ी पेमेंट कर दो, वो प्रोडक्ट हम आपके लिए रोक लेंगे, ऐसा कभी मत करो। इसके लिए ओएलएक्स आपको कभी ज़िम्मेदार नहीं होगा, इसके ज़िम्मेदार आप खुद हो। एक इसलिए भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है कि आपने किसी को कीमत दी, कीमत देकर छोड़ दी, फिर उस बंदे से आगे बात नहीं करी, फिर किसी दूसरे यूज़र से आपने बात करी, उसमें भी ऐसे करा, बात करते करते आपने बीच में छोड़ दी, 2-3 दिनों से आप अगर इसी तरीके से करते ना, बात करके छोड़ देते हैं, उसे बाकी रिस्पॉन्स नहीं देते, तो वो बंदे करते क्या है, आपका जो अकाउंट उनके पास शो होता है उस पर रिपोर्ट कर देते हैं। अगर 3 से ज़्यादा रिपोर्ट आपके अकाउंट पर हो जाती है तो आपका अकाउंट ओएलएक्स सस्पेंड कर देता है। अगर एक बार ओएलएक्स पर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो ये मत समझिए कि आप फ़ोन नंबर दूसरा डाल के उसे लॉगिन कर लेंगे या मेल आईडी दूसरा डाल के लॉगिन कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो आईडी आपने ओएलएक्स पर लॉगिन करी थी उसके अलावा भी आप दूसरी आईडी लॉगिन करेंगे वो नहीं होगा, ना ही दूसरे फ़ोन नंबर से लॉगिन होगा, ना ही किसी अदर फ़ोन में जाके वो लॉगिन होगा। जब तक आप कस्टमर केयर पर जाके बात नहीं कर लेते, जो जो आपने गलती करी है उनके लिए आप उनसे सॉरी नहीं बोल देते, और ये नहीं